Quite a sad demise of the Indian campaign in this T20 World Cup. After all the, you know, expectations that were there, just being bamboozled by the English openers. I mean, England just outplayed them in every aspect of the game today. Yeah. I think when they lost the toss, India, तो रोहित शर्मा ने कहा कि हमने बैटिंग ही करनी थी, लाइक यू सेड अभी अपने इंट्रोडक्शन में. और आई थिंक जहाँ से इनसे गलती हुई है, इनका स्टार्ट बहुत स्लो हुआ है, ये रिकवर कर नहीं पाए. यू नो, 10 ओवरों में 63 था इनका, और उसके बाद इन्होंने आई थिंक जो विकटें हाथ में भी थी थोड़ा तेज. आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू, तो आपने ये वीडियो देखा, पाकिस्तान में ऑब्वियसली खुशी मनाई जाएगी. पाकिस्तान का मैच हुआ था लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से, वो हारे थे तो हमने सेलिब्रेट किया था, अब उनको मौका मिला है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, वो करेंगे. रही बात इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने आज ऐसा खेला कि इंडिया 230 भी बनाती तो वो चेस कर लेते. अब बात करते हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इंडिया ने पहले ही आपने देखा 10 ओवर में लगभग 60 रन बनाए थे. एक ऐसा स्टार्ट दिया था हमारे ओपनर्स ने, और मुझे नहीं लगता कि यार इस मैच के बाद 5-6 रिटायरमेंट होनी चाहिए, इवन द्रविड़ को भी निकालना चाहिए. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. मैं मिलता हूँ. बट आई थिंक एक तो उन्होंने एक्सेलरेशन तेज़ किया, थोड़ा लेट किया है. वो तो पांड्या ने आके 63 किया 33 गेंदों पर, तो कुछ इनका रिस्पेक्टेबल टोटल हुआ है. आई मीन देयर कैप्टन लुक्ड आउट ऑफ टच, 27 of 28, एंड देन ऑफकोर्स विराट कोहली गॉट इज 50, played okay, but on 40 deliveries, I think that was a big difference between the two sides. Huge difference. Vakar, you had predicted earlier today it is going to be an Englishman. You were the only one on this panel jinhone kaha tha ki aaj England jo hai wo jeetega. Now, on the hindsight, what were you thinking? What was your analysis that you made that conclusion in your initial prediction today? Look, to be honest, it was a guesswork. Okay. But you know, England team, सबको मालूम है, you know, they are a very good, very very good team. अगर इस मौके पे knockout time पे अगर कोई team really challenge कर सकती थी India को, वो England ही थी. But इस तरह dominate करेगी, I never expected that, and I think they outplayed them. India was totally in the shell. They did not know how to sort of even start, even from the very beginning. शुरू में जब उनको उन्होंने batting शुरू की, they were totally lost. They were not themselves. जो हमेशा से वो जो खेलते हैं ना aggressive cricket शुरू से ही, पहले you know 6 ओवरों में कोई खास runs नहीं थे, only 38 runs board पे थे, और उस वक्त भी डरे डरे खेलते रहे थे. और जब तक उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे वसीम भाई ने कहा ना 62-63 रन किए उन्होंने 10 ओवर, जब उन्होंने सोचा कि ओ वी आर बिहाइंड द गेम, इट वाज वे टू लेट. आई मीन द पिच गॉट लिटिल बेटर इन दी इवनिंग. वो जो इशू था, मीडिया को जो एतराज़ था इंग्लैंड मीडिया को कि जी यूज पिच है, वो पिच गॉट रियली बेटर आफ्टर दैट. बट ये जिस तरीके से हेल्स और बटर दोनों खेलते हैं या खेले हैं, वो जब वो चलते हैं तो फिर इसी तरह होता है. I mean, बड़ा अच्छा स्टैट है जो आपने पिच बेटर की बात की, स्पेशली नॉकआउट गेम्स में. लास्ट 23 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, ओडीआई प्लस टी20, वन बैटिंग फर्स्ट 7 times, वन चेजिंग 16 times ऑन दिस पिच. No, generally, overall. I guess जो मुझे आज लगा ना वो ये लगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट शो टुडे कि नहीं, अगर आपको बड़ा इवेंट जीतना है तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. और आई गेस वो एलेक्स हेल्स और बटलर ने ये दिखाया है, और यही वकार भाई का जो है ना वो कब से इस चीज पे इंफोसाइज कर रहे हैं. दैट आई कंप्लीटली एग्री विद यू देयर. बट शुएब, लुक, इंडिया गेट्स अ लॉट ऑफ मॉडर्न क्रिकेट. दे प्ले वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज लीग्स, IPL, जिसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मॉडर्न क्रिकेट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक्स और नई नई चीजें जो है, एंड ऑफ कोर्स द मनी वहां पर होता है. एंड देन आई मीन यू कांट रियली से कि जी वो इंडिया को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी नहीं आती. आई नेवर सेड दैट. आई सेड कि आज का डिफरेंस जो था वो ये था, अगर हम स्टैट्स ही देख लें आज के, तो जो KL राहुल है, ठीक है वो जल्दी आउट हो गए, ही फेस्ड 5 balls, स्कोर्ड 5 runs. रोहित शर्मा प्लेड 28 balls, स्कोर 27 runs. बट डिफरेंस जो था वो अगर हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच में भी देखें, तो फर्स्ट पावर प्ले जो था उनके भी, न्यूजीलैंड के भी ऑलमोस्ट इतने ही रन्स थे इन द फर्स्ट 6 ओवर, इनके भी वही थे. तो जो डिफरेंस आया वो जॉश बटलर और एलेक्स हेल, उनके 60 और 6, बिल्कुल. सो यू आर ऑलरेडी बिहाइंड. एग्रीड. Mispah, this takes us back to what the late Dean Jones had shared with you and Wasim in the Sambad United camp.
if you win the power plays, you pretty much have the game in the bag, right? So, aaj so wazeh taur pe England ne pretty much, but 70-80% is a huge chance. So, usme aaj dono power plays hain, wo England ne jeete hain, bowling mein bhi aur batting mein bhi. I think ek do badi important cheeze hain, especially England, jo pehli baat ki hai Shoaib ne, ke they come with a very good approach in this game. Semi-final, under pressure, OG runs on the board. वो क्लियर थे कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, 11 तक हमारे पास बैट्समैन है. ओके, इंडिया की स्ट्रेंथ भी उनकी बैटिंग है, बॉलिंग उस तरह नहीं है. टॉस जीत के उन्होंने बड़ा क्लियर लग रहा था कप्तान जॉन बटलर, तो उसने कोई बिल्कुल कोई परेशानी, टॉस जीते उसने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे. जबकि रोहित शर्मा वहीं पर लगाया कि वो थोड़ा डाउट में है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है. आई थिंक उसके बाद ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उस तरीके से टारगेट सेट नहीं कर पाए इंडिया की टीम. 180 प्लस टारगेट है और उन्होंने अलाउ किया इंग्लैंड को टू जस्ट गेट बैक इन द गेम. और वो प्रेशर नहीं था, थोड़ा सा उन्होंने टाइम भी लिया. फिर दोनों उनके जो ओपनर हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं. अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट भी नहीं मिली इंडिया को ऊपर, और वो दोनों ही खेल गए और डोमिनेट कर गए. तो मुझे लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट एक तो अप्रोच है, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पावर प्ले डिफरेंस इन द बैटिंग, पावर प्ले था आपका, डिफरेंट कंडीशंस थी. Correct. अगर ये थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो तो ये वाली अप्रोच आपकी चल सकती है, जैसे इंडिया ने अगेंस्ट पाकिस्तान किया या सम ऑफ द अदर गेम्स जहाँ पर थोड़ी 160-150 वाली गेम है तो ठीक है, बट यहाँ पे जो एवरेज स्कोर था 180 प्लस है. तो वो रन्स कम थे, वो नहीं कर सके. और जी वाला गेम खेला ना बेसिकली. सबको यही था कि आईपीएल से इंडिया को बड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज आईपीएल स्टार्टेड इन 2008. उससे इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है. जब से आईपीएल शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, बिकॉज ये दे वन 2011, दैट्स 50 ओवर. नहीं, हम 20 की बात करें ना. Yeah. तो जब से आईपीएल शुरू हुई है उसके बाद T20 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता. और उससे पहले जो था वाज़े 2007 में साउथ अफ्रीका में. तो इससे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या फर्क पड़ता है. अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, कि जे इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाके लीग्स नहीं खेलते, वन एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाज़त मिल जाए, क्या शेबी फ़र्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी आईपीएल इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो. बट यह कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवर is a mega event. Right. I mean, there, you know, there's lot of things at stake. You know, bade big businessmen are involved. You know, it's a big company. You know, it's a huge company and mega event hota hai. So I mean, jab aap is tarah bada mega event khelte hain, to fir aap jab aap is tarah ke internationally jaate hain, to aapke upar ek added pressure hota hai. And ye jo aap jitne bhi aapne abhi matches ginwaye hain, they're knockout matches. You know, to jab aap knockout stages par pahunchte hain. तो दैट बर्डन रियली यू फील दैट ऑन योर शोल्डर्स एंड आई फील के वो आज भी नज़र आया पिछली दफ़ा लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान से खेले इन यूएई, फिर एशिया कप में, ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखी हैं उनके शोल्डर्स पर. दे जस्ट टेक प्रेशर एंड दैट्स वाई दे कुंट रियली जस्ट मूव ऑन विद द गेम. जो दिलेरी से वहाँ पर खेलते थे वो दिलेरी यहाँ पर नहीं आती. आई मीन इन्होंने जितने भी इनके अगर आप नाम उठा के देख लें, राहुल हो गया, रोहित हो गया, विराट हो गया, सूर्य, इनके सेंचुरियाँ हैं. और आज ऐसे लग रहा था कि जैसे देवर इन अ शेल, सो देवर नो रियली. आई मीन लुक एट बैक टू वसीम भाई, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू यू नो टू मेक के जी आप उन्होंने उन इंग्लैंड के स्पिनर्स को सिर्फ 41 रन किए 7 ओवरों में, और एक पार्ट टाइम स्पिनर था एक, और नोबडी रियली कुड टेक हिम. आई हैव नॉट सीन एनी क्रॉस शॉट, क्रॉस बैटेड शॉट, जो जबकि बाउंड्रीज छोटी हैं. सो देवर जस्ट वरीड. जब आप वरीड होते हैं, ऑल दो उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अपना पांड्या का, कि उसने आके नीचे से 60-70 बड़ी तेजी से किए. आखिरी 5 ओवरों में उन्होंने 70 रन किए, वरना ये तो 120-125 रन नहीं कर रहे थे. क्योंकि मैं तेरे को एक बात बताता हूँ वकार भाई, ये इशू मैट एट अ ग्रेट टाइम.
तो आई वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट इंडियन फास्ट बॉलर्स जो आते हैं वहाँ पे, हमने देखा है जो मैंने नोट किया, आई होप कि मैं ठीक कह रहा हूँ, कि इनका एक फास्ट बॉलर आता है, फॉर इंस्टेंस जैसे आविश खान, वो आया आविश, वो 145 था, 145 उमरान नहीं, उमरान तो है ही है, कभी PSL आविश खान आया था, बिल्कुल इंजर्ड हो गया था, करेक्ट, यू राइट, यू वेरी राइट, सॉरी। सो ये आए 145, 140 प्लस पेस कंसिस्टेंट, इन द वन सीजन ऑफ IPL दे प्ले, इनकी पेस चली जाती है 130 पे, 135 पे। एक तो इंडिया ने, आई सपोज BCCI ने ये रीज़न चेक करनी है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ही गॉट पेड अबाउट 12-13 करोड़ इंडियंस, आई एम ऑल फॉर मनी, बट आई थिंक यंग प्लेयर के लिए कैप होनी चाहिए, इवन IPL में भी, कि नया लड़का आ रहा है, इसकी इससे इतने ज़्यादा पैसे आप नहीं दे सकते इसको, ताकि उसको पता लगे हंगर का, उसको पता लगे कि भूख होती क्या है। अगर मुझे पाकिस्तानी 24 करोड़ मिल रहा है एक महीने का, वो नेचुरली आई थिंक द कल्चर वी कम फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ वर्किंग मोर हार्डर, फ्यू ऑफ अस प्रॉब्ली विल, हम फिर अपने को क्या कहते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। So I think that actually a very, this is my idea. Yeah, but very good point. Vakar, your take on that. Why would somebody who bowls at 140, 145 go into the league and then slow down? After one year. Look, I don't know. I mean, hum to emphasis isi pe dalte hain, jab main bowling coach bhi tha, jab main coach bhi tha, ke, you know, if you're quick, that is your first priority, to bowl quickly. Yeah. Because I believe in that. Maine sari zindagi ki hai, Wasim bhai ne ki hai. क्योंकि अगर आप पेस है आपकी तो देन यू लर्न दी अदर बिट्स। अगर आप पेस पीछे कर स्लो करके आप लर्न करोगे और वो स्विंग होगा बॉल, आप कहेंगे यार आई एम हैप्पी विद दैट, राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट ने भी इसका नुकसान कराया है, और कहीं ऑफ कोर्स कोचेस भी आपको फिर कहते हैं कि अच्छा ये अंदर लाओ बाहर लाओ, यू नो जस्ट बी बॉल लिटिल स्लोअर एंड देन यू गेट इनटू अ हैबिट। दैट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ, आई डोंट नो व्हाट गोज अराउंड इन देयर कैंप्स, बट pace matters, pace big time matters, pace, yes, it might just go for a few runs at times. I have a very incident happened to me early days of my career, the great our captain skipper Imran Khan, wo ek match draw ho raha tha, test match draw ho raha tha, draw raha hota hai, aakhri do ghante rehte hain, you don't give your main bowlers a bowler, bowling nahi karate ki yaar draw ho raha hai, but maine dekha Imran bhai ek end se 4 over ke spell khel, keh rahe main 4 over ka spell karunga aur pura zor lagaunga, तुमने उस एंड से 4 ओवर करने, पूरा जोर लगा के। मैं कहती टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो रहा है, आई वाज अ किड 21 ईयर ओल्ड, ही सेड इससे तुम्हारे बॉलिंग मसल स्ट्रांग होंगे, जब थके होते हो, जब ज्यादा एक जोर लगाओगे तुम्हारी पेस इंक्रीज होगी, ओके, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। वाओ, के यू नो जब आप थके होते हो, आप एक स्पेल आके करते हो, 2-4-5 दफा करते हो अपने, मतलब यू नो एक सीरीज में, तो आपकी पेस इंक्रीज होने के, बिकॉज उससे आपके बॉलिंग मसल स्ट्रांग होते हैं। बॉलिंग मसल्स क्या है, वो एक मसल तो नहीं है ना पूरी बॉडी में, बॉडी के साइड बाल से लेके पाँव की छोटी उंगली तक आपका हर मसल उसमें यूज होता है, और फास्ट बॉलिंग जब बॉलिंग करोगे लंबी तो आपकी पेस बढ़ेगी, बॉलिंग कम करोगे, आजकल आते हैं लड़के T20 फॉर्मेट में, जी मैंने 18 गेंदे करनी है, अच्छा हैंग ऑन अ मिनट, गो बैक टू द ड्रेसिंग रूम एंड जस्ट सिट देयर, डोंट कम आउट, देयर इज नो पॉइंट कमिंग फॉर 3 ओवर्स। Yeah. So that sort of mindset, I think, not just in IPL, in general, young bowlers mein aa gaya hua. That's very true. Misbah, aap baat kar rahe the about the spin bowling, handling of the Indian batting. Continue on that. I think 2019 mein bhi inke saath, India ke saath, somehow ye raha, ke wo slow pitches pe us tarike se spinners ko nahi khel pa rahe. Aur unki performances na sirf ye ke batting mein wo us tarike se attack nahi kar pa rahe, balki bowling mein bhi agar aap dekhen India ki mindset hai, mujhe lagta hai finger spinner contain karne ja rahe hain, aap wicket taking yani aggressive mindset ke sath nahi ja rahe, apni bowling mein jo options le rahe hain wohi aapko bata rahi hai ki ek taraf aapne off spinner rakha hua, dusri taraf Akshar Patel jo ke normally रन्स रोकने के लिए आप लेके आते हैं, रिस्ट स्पिनर है या चाइना मैन, सॉरी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अब हम कहते हैं उसको, मुझे लगता है जडेजा ओवरऑल एज एन ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बट इन कंडीशंस में मैं समझता हूँ कि वो भी अटैकिंग ऑप्शन नहीं है आपकी, रन्स रोकने वाली आपकी ऑप्शन है चहल, या आपके पास अगर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है गुगली बॉलर, बिल्कुल, तो वो एक देखें इंग्लैंड ने कैसे चेंज किया, आदिल रशीद को उन्होंने एक एक्सटेंडेड रन दिया और हमेशा उसको एज एन अटैकिंग ऑप्शन, आज भी वो उसको ले आए थे पावर प्ले के अंदर, जब आप डरते रहोगे कि इसको रन्स हो जाएंगे, आज उसने मेन विकेट आपके लिए, आप सूर्य कुमार यादव को
मतलब आउट करना दैट वाज अ गेम गेम चेंजर. और जब आप 20 रन दिए, बिल्कुल चार ओवरों में 20 रन दिए, और इवन लिविंगस्टन उसको भी वो लेग स्पिन करते हैं, वो भी अटैकिंग ऑप्शन बन जाती है. डबल आउट हो सकता है ये आदिल रशीद को, वो शुरू में ही लेके आ गए थे क्योंकि उनको विकेट चाहिए था. उनको पता था कि एक हम लोगों ने केएल राहुल को आउट कर लिया, एक और करेंगे तो इनकी बैकबोन टूटेगी, तो इस वजह से वो उनको लेके आई. और दूसरा आदिल, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आपको पता है कि यार इंडिया ने आज कैसा खेला. ऑब्वियसली शुरुआत के 10 ओवर में ही मुझे लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, 150 बन जाए किसी तरीके से, कुछ फाइट हो जाए, बट हुआ ऐसा कि हार्दिक पांड्या ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉक खेली और एंकर रोल प्ले किया विराट कोहली ने, और हम 168 रन बनाने में सफल रहे. उसके बाद होता क्या है, बॉलिंग आती है हमारी, बॉलिंग एक भी विकेट नहीं मिलता यार, 10 विकेट्स. मैम लास्ट में याद है आपको, एक सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के बीच कैच आया था, तो विराट कोहली और सूर्य कुमार, मैं चाह ही रहा था कि वो कैच छूट जाए. इंडिया हारे तो 10 विकेट्स से ही हारे, ऐसा सीन ना हो कि 9 विकेट लग जाए, याद रखना चाहिए. ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार, समी, अश्विन हो, इनको अब आप रिपीट मत करें T20 में, इनको रिटायरमेंट कराएं, नए प्लेयर्स को चांस दें, नए लॉन्डो को चांस दें. इनको आप कब से घसीटेंगे, कितने, 14 का फाइनल, 15 का 50 ओवर का सेमीफाइनल, 16 का T20 सेमीफाइनल, 17 का ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, ये आपको मिलेंगे प्लेयर, अश्विन ये सब मिलेंगे आपको, आप देखें. और फिर 19 का मिलेगा आपको फाइनल, सेमीफाइनल सॉरी, फिर टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, ICC टूर्नामेंट में आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब जो भी सेमीफाइनल फाइनल में हम हार रहे हैं यार, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम सेमीफाइनल तो ऑब्वियसली वो खेलेगी. लास्ट ईयर बस ऐसा हुआ T20 में हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे. तो अब आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं यार, लंबा इंतजार हो चुका है T20 में, आप टोटल एक नई टीम खिलाएं. ODI में रिपीट कर दें, रोहित शर्मा को ODI से आप बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन निकालें, कोच राहुल द्रविड़ को भी निकालें. अश्विन का पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच बॉलिंग नहीं आ रही थी, किस वजह से आपको उनको लगातार खिलाने को मौका दे रहे हो आप. दूसरी टीम के लेग स्पिनर आप देखें, शादाब खान को देखें आप, आज उनका लिविंगस्टोन आदिल रशीद को देखें, ग्राउंड बड़े हैं, लेग स्पिनर को आप मारेंगे बॉल खड़ी होती है, विकेट मिलने के ज़्यादा चांस है. अश्विन ऑफ ब्रेक भी नहीं कर रहे, आके कैरम बॉल ये वो पूरी बॉल कर लेंगे लेकिन ऑफ ब्रेक नहीं करेंगे वो. मत खिलाओ भैया, मत रिपीट करो, नहीं है अब उनके अंदर जितना था आपने निचोड़ के निकाल लिया, अब उनको आप छुट्टी दो, IPL खेलने दो, ख़त्म करो. चहल को खिलाओ, चहल से नहीं बन रहा, विश्नोई को लाओ. नए जो प्लेयर हैं, पृथ्वी शॉ, उनको तो शायद अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी अमेजोन प्राइम में जो सीरीज़ होनी उसमें भी सिलेक्ट नहीं किया गया. रोहित शर्मा आप भी T20 अब छोड़ दें, नहीं बन रहा आपसे. KL राहुल के चक्कर में हमने शिखर धवन को बिठा ला, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट T20 में इतना अच्छा नहीं है, बट ICC टूर्नामेंट में वो परफॉर्मेंस देते हैं. ये तो भैया इनको इंपॉर्टेंट मैच है, KL राहुल नहीं चलना है. बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, ले आओ मैं 50 कर लेता हूँ. लास्ट टाइम भी याद है आपको, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हमारे, तो उसके बाद जो कमज़ोर टीम थी उनके खिलाफ KL राहुल ने रन बना दिए थे, 20-20 बॉल पे 50 बना दिए थे. ऐसा प्लेयर मत रखो टीम में, कोई मतलब नहीं है. T20 की टीम आप पूरी तरीके से चेंज करें. मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाए, विराट कोहली तो कैप्टन बनने वाले हैं नहीं, हार्दिक पांड्या डिजर्विंग कैंडिडेट है. अभी लास्ट ईयर जो IPL हुआ था उसमें वो विनिंग कैप्टन रहे, तो हार्दिक पांड्या को कैप्टनशिप दें, रोहित शर्मा को भी निकालें, द्रविड़ को भी निकालें. और ये मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ क्योंकि द्रविड़ है ओल्ड स्कूल, नई जनरेशन के साथ इनका कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है. वनडे में आप रिपीट कर सकते हैं लेकिन T20 में एक नई टीम बनाएं, बिल्कुल परेशान.